ये है जयपुर रेस्टोरेंट, वैशाली में है और ये हमारे घर के बिल्कुल पास है। तो मैं ले लूं? नहीं नहीं ऐसी नहीं, तुम ले लो चलो। तो आज हमारी शादी को हो गए 37 यानी कि 37 साल। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, पर तोमर साहब का मन था कि डिनर पे कहीं चलें, तो घर के पास ही है जयपुर करके है, काफ़ी अच्छा खाना है इसका, तो यहाँ आ गए। आज के ही दिन तोमर साहब हमारे गांव में बारात लेके गए थे बहुत सारे लोगों के साथ, और लेके आए थे तब से इन्हीं के साथ हैं। आपको पता है तो तोमर साहब हमारे शर्मा गए हैं, वैसे इन्हीं की फरमाइश पर हम डिनर करने आए हैं। थोड़ी हल्की लग रही थी तबीयत, तो बच्चों ने बोला भी कि मम्मा रहने दो, घर पे ही मंगा लेते हैं, पर तोमर साहब का मन था, और तोमर साहब का मन तो रखना पड़ेगा ना अब इस उम्र के दौर में। आज के दिन तो हम चारों लोग आए हैं, अंदर ही बैठे हैं, हम चारों लोग आए हैं, बच्चे आंचल लोबो और तोमर साहब, तेजी नहीं है तो अब हम चारों ही है ना, तो चारों ही आ गए, क्योंकि मैं बता रही हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब दिखा देती हूँ अपने दोनों बच्चों को, देखो ये आंचल को भी दिखा देती हूँ, वीडियो आंचल बना रही थी ना इतनी देर से। दो मेरा शर्मा गया है, तोमर साहब भी शर्मा रहे हैं, दूल्हे राजा, मतलब 37 साल 37 ईयर्स पहले बने थे दूल्हे राजा। ठीक हो गई क्या? वीडियो बनाते थे तो मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। है ना आंचल, वीडियो बना रही हूँ तो तबीयत तो ठीक होनी होनी है ना। बिल्कुल। अरे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। 37 साल पहले दूल्हा बने थे, बारात लेके आए थे और मुझे ले आए थे कहाँ, मुरैना, तो इनको वापस जयपुर ले आई फिर मैं। और आज संडे है, आप भीड़ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये दिव्या भाभी भी इसी होटल में आई थी, हमको बताया नहीं था इन्होंने, और हमको अभी पता चला, थैंक यू भाभी, घर आ जाते तो साथ ही आ जाते। अरे आज नहीं नहीं भाभी, तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा मन नहीं था आने का, पता नहीं उल्टी। अरे हम तो एक घंटे से यहाँ खड़े हो, वापस जा रहे थे हम। खाना हो गया? नहीं नमस्ते अंकल, मेरा मन नहीं था भाभी, तोमर साहब का ही मन था इसलिए आ गए भैया, थैंक यू भैया। ये भूटानी भैया दिव्या भाभी अचानक मिल गए, हमने बुलाया नहीं है इनको, कोई सोचे कि हमने इनको बुलाया पार्टी दी, पर ये अचानक मिल गए हम यहाँ आए तो। और ये तो राजा पार्क से आए हैं, ये वैशाली में ही है, मैं दिखा देती हूँ, इसका खाना बहुत अच्छा है, लाइनें लगी हुई है, हमको भी वेट करना पड़ रहा है यहाँ। और सामने जलमहल आइसक्रीम वाला, इसकी भी भीड़ है, उधर रोड खुदी हुई पड़ी है ना, तो इसकी भी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है, पर लाइन तो लगती है यहाँ खाने के लिए, क्योंकि खाना बहुत टेस्टी है, फिर से बोलती है खाना बहुत टेस्टी है। और ये लोग सब इधर खड़े हैं, इनको तो जगह मिल गई है, हमको नहीं मिली है, और हमने भी नाम लिखा दिया है, जैसे ही हमारा नंबर आएगा हम अंदर जाएंगे। तो फाइनली हमारी वेटिंग ख़त्म हो गई, हमारा नंबर आ गया और हम अंदर जा रहे हैं। अरे से हो, हाय कैसे हो, ऑल गुड। आज जिनकी एनिवर्सरी है, कहानी कह रही बुक करा है, वो भी नया खुला है, हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा ब्लॉग थी भाई, आज विश कर रहे हैं इसीलिए बोली बार बार क्यों कैसे किया। हेलो, हो सकता है 37 साल की शादी में आपका बेस्ट मोमेंट क्या है? नहीं वो नहीं बोलते, बच्चे पैदा करे थे बहुत और बच्चों की शादी नहीं, अब बच्चों की शादी था बेस्ट हो तो, और तो क्या बेस्ट होगा, खुश शादी का, बच्चे पैदा होने से पहले सबसे यादगार, बच्चों को लेना देना नहीं है, सबसे यादगार मोमेंट, अरे याद ही नहीं आ रहा, पापा ने कभी आपको गिफ्ट दिया हो? हाँ पापा ने गिफ्ट दिया था, फिर वापस ले लिया था।
तो याद नहीं आ रहा, कुछ आप ही याद दिला दो, आप ही याद दिला दो कुछ अच्छे मूवमेंट क्या थे हमारे, बाहर घूमने जाते तो एंजॉय करते हैं। अच्छा ला रहे हैं हम लोग इसमें, बताओ ना क्या अच्छे मूवमेंट है, कुछ याद दिला दो, आप ही याद दिला दो, मुझे तो याद नहीं। अरे बताओ ना अच्छे मूवमेंट ये है, इतनी खुली छूट दे रखी है मुझे, सब लोग बातें बनाते हैं मेरे वीडियो की, पर तोमर साहब से हिम्मत आ जाती है ना, जो बनाती रहती हूँ बनाती रहती हूँ, ये अच्छे मूवमेंट ही है ना। चल कुछ तो सब में अच्छा ही होती है ना, तो तोमर साहब में ये तो अच्छा ही है जी, इतनी खुली छूट कोई नहीं दे सकता जितनी तोमर साहब ने दी है, लोग बातें भी बनाते हैं इनसे भी बोल जाते हैं, क्या करती रहती है भाभी, पर फिर भी छूट दे रखी है, तो बहुत अच्छे मूवमेंट है ये भी हर किसी को नहीं मिलते हैं जो मुझे मिले हैं। तो छूट का मतलब है कि हम दोनों बराबर हैं, बराबरी का देते हैं मुझे, जैसे वो रहते हैं मुझे रहने देते हैं, मेरे पे कोई रोक टोक नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब इसके सामने सारी चीज़ें फीकी हैं। आज के लड़कों को भी सीखनी चाहिए ये बात, आज के लड़कों को भी, अरे आज के लड़के तो दे ही देते हैं, नहीं देते बहुत लोग भी देते, और मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को ये चीज़ मिलती है कि इतनी छूट मिल जाए, मतलब लेडीज़ को। मैं बिना खाना खिलाए भी चली जाती थी ना, अब तो सर्वेंट वगैरह रहते हैं, पहले भी तो मतलब वेट करते रहते थे या कुछ खा लेते, पर कभी डांटा नहीं कि ऐसे चली गई ऐसे चली गई, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, कम लोगों में होती हैं, जेंट्स को रहता है भाई कहाँ चली गई अभी तक नहीं आई, रोज़ घूमने निकल जाती है। कई लोग बोलते हैं संडे के दिन के नहीं हम नहीं निकल सकते, हमारे हस्बैंड घर पे होंगे, तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है, तोमर साहब के साथ हर जगह भेज देते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ है जो मैंने बोल दी। आचल पूछ रही है मेरे से मम्मा बताओ, तो वही बता रही हूँ मैं, पहले मैं सोच नहीं पा रही थी जब आचल ने पूछा कि मम्मा कौन से आपके बहुत अच्छे पल रहे, पर फिर मैंने अभी सोचा तो मेरे लिए तो बहुत सारे अच्छे पल हैं जो मैं इन्जॉय कर रही हूँ, उनकी वजह से कर रही हूँ, हर जगह चली जाती हूँ, कहीं भी चली जाती हूँ, सब लोग मेरे से बोलते हैं कितना घूमती है कितना कीर्तनों में जाती है, तो बस सब इनकी वजह से है, तो इसलिए ये सारे अच्छे पल इन्हीं की वजह से। अब तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया आपके लिए, अरे खुश हो जाओ, अब तक खुश हो जाओ, अरे हंस जाओ इधर देख के, अब इन्होंने मुंह बनाया ऐसे करके, फिर इनको याद आया कैमरा चल रहा है तो फिर अच्छे से हंस गए। हमारा ऑर्डर आ रहा है और हम वेट कर रहे हैं, अभी हमने सूप मंगाया है, स्नैक्स मंगाए हैं, पापड़ी चाट यहाँ की बहुत अच्छी है, पापड़ी चाट से मतलब पालक चाट यहाँ की बहुत अच्छी है, ये कुछ बड़ा पाव है ना, क्या है वो भी, बड़ा पाव स्लाइडर जो है यहाँ का बहुत अच्छा है, वो मैंने पहले भी खाई है दोनों चीजें, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो बस अब हमारा खाना आ रहा है और देखते हैं क्या क्या आता है, वो बता दीजिए हम भी क्या लोगों का। सूप आ गया है सभी का, मैं बता रही हूं, ये है पालक चाट बहुत टेस्टी है। तो ये हमारे आ गए हैं स्नैक्स में पनीर कुरकुरे, इसलिए शादियों में मिलते हैं, नाम नहीं पता था कि इनका नाम पनीर कुरकुरे है। पनीर है ना, मशरूम मसाला, दाल, कौन सी नान है ये, चुर चुर नान और मैंने बनाया है मशरूम मसाला, मुझे मशरूम बहुत पसंद है। देना शुरू करो, ये है लहसुनी दाल है ना, बस अब हम खाना शुरू कर देते हैं, खाना खाते आराम से फिर जाएंगे तब बाय बाय। कैसा लगा आंचल खाना, अच्छा लगा डोबो, खाना कैसा लगा तो मैं सब, खाना कैसा लगा, ठीक था तो बस हमारा खाना हो गया है और हम वापस जा रहे हैं, और अब होटल खाली हो गया है, पूरा खाली हो गया है रेस्टोरेंट, देखिए ये जल महल के सामने भी बिल्कुल खाली हो गया है, जल महल यानी आइसक्रीम पार्लर से थोड़ा पास से कर देती हूँ जो दिखे थोड़ा सा। तो बस चलते हैं, बच्चे बोल रहे हैं मम्मी देख के उतरना,
पता चले वीडियो के चक्कर में सीढ़ियों से फिसल जाऊं और बस हो जाए मैरिज एनिवर्सरी। गाड़ी घुमा के ला रहा है तब तो ऐसे पैदल चला तो दो को गाड़ी घुमा के ला रहा है और तोमर साहब बोल रहे पैदल चलने के लिए, पर पैदल नहीं जाएंगे हम, गाड़ी पे जाएंगे। क्यों रोमांटिक वॉक के दोनों तो बस अब वीडियो बंद करती हूँ और आज के लिए बाय बाय।